भारतवर्ष और विदेशों में रह रहे सभी काव्य प्रेमियों को धर्म प्रकाश मिश्र का सादर प्रणाम। हम लोग इस समय आनंद ले रहे हैं महाकवि पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी द्वारा रचित भोजपुरी के प्रथम महाकाव्य कुंवर सिंह का। पिछले भाग में हम लोगों ने देखा जिस देश में कुंवर सिंह का जन्म हुआ वह भारतवर्ष कैसा है, कुंवर सिंह का बचपना कैसा है, किशोरावस्था कैसा है, यही प्रसंग इस समय चल रहा है। कुंवर सिंह के जीवन में जो जो घटनाएं घटी उसको मिश्र जी ने बड़े ही बेबाकी से, बड़े ही मनोहरता से, ग्रामीण संस्कृति को समेटते हुए बड़े ही अनुपम ढंग से प्रस्तुत किया है। तो आइए अगले भाग का आनंद लेते हैं। वीर कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा चल रही है, इसके पूर्व निवेदन वही, अगर आप चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि एक अच्छी कृति को, अच्छे काव्य को सही संरक्षण मिल सके, सर्वसंवर्धन मिल सके और मिश्र जी को भी लगे कि मैं जो छोड़ के गया हूँ उसको, उसका आज भी लोग कद्र कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं वीर कुंवर सिंह की किशोरावस्था, वीर कुंवर सिंह विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं, क्या मनोदशा है उनकी, प्रस्तुत है, सुनिए। कि मुनसी पढ़ावे बाकी मनवन लागे, कि मुनसी पढ़ावे बाकी मनवन लागे, रतिया कुंवर बड़ देरिया ले जागे, कि मुनसी पढ़ावे पर मनवन लागे, रतिया कुंवर बड़ देरिया ले जागे, तो सोच ही भैल बीते लागे दिनवा, कुंवर के पिठिया पहिल बिरनवा। कुंवर सिंह के भाई का जन्म हो रहा है। कि सोच ही भैल बीतई लागे दिनवा, कुंवर के पिठिया पर भैल बिरनवा, तो अनुज इयाल सिंह ले सथवा, अनुज इयाल सिंह ले सथवा, कुंवर खेलत रहे अपने दुआरवा, तो बड़ निक सीत बसंतक जोड़िया, मनवा भयल नाही अलफ उमिरिया, कि बड़ निक सीत बसंतक जोड़िया, मनवा मैल नाही अलफ उमिरिया, छोटी उम्र कि मनवा मैल नाही अलफ उमिरिया, तो खेलत खेलत गैल कुआना जगतिया, देखत है मरली गोतिहर भाक मतिया, कि खेलत खेलत गैल कुआना जगतिया, देखत है मरली गोतिहर रवाक मतिया, तलहगर लवकल दुनहु बिरनवा, रामयस कुंवर दयाल लक्ष्मणवा। क्या बात है कि लहगर लवकल दुनहु बिरनवा, रामयस कुंवर दयाल लक्ष्मणवा, तो ईश्वरी के मनवा में पपवा समायल, कुंवर दयाल के देखत बहुरायल, तो हमें बदे ए नहीं बबूरवा कपेड़वा, गड़ी है सजिया बिहान कुश कटवा। ईश्वरी दुश्मन था कुंवर सिंह और उनके भाई से जलता था, उनको कुंवर सिंह को और उनके भाई को समाप्त करना चाहता था, वही प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं मिश्र जी, उनको प्रणाम करता हूँ। कि ईश्वरी के मनवा में पपवा समायल, ईश्वरी के मनवा में पपवा समायल, कुंवर दयाल के देखत बहुरायल, तो हमें बदे ए नहीं बबूरवा कपेड़वा, गड़ी है सजिया बिहान कुश कटवा, तो जब मतिया में दूर मतिया समाला, बड़ बड़ कुकरम पुण्य जनाला। क्या नीत परक लाइन है कि जब 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 मतिया में दूर मतिया समाला, बड़ बड़ कुकरम पुण्य जनाला, तो कह अभिमनु कह सात महारथिया, कहाँ अभिमनु कह सात महारथिया, पपवा मऊलेसी सब ही कमतिया, तो सतह फटकवा में पहुँचिरन जुझलें, सतह फटकवा पहुँचिरन जुझलें, कुल पपिया के एक साथ ले जुटलें, कुल पपिया एक साथ हो जुटलें, तो जब दुर्योधना में आई दूर मतिया, वंश के दियना कबूताई गई मतिया, जब दुर्योधना में आई दूर मतिया, वंश के दियना बुताई गई बतिया, तो कुमति सियावे
बदनामी क जामा। क्या प्रयोग है कि कुमति सियावे बदनामी क जामा, पांच पूत कटलिन अस्वस्थामा। तो एनही से मिलल पिंड यौ पानी, दुरमत कैल सिखतम निशानी। तो कुबुद्धि से भरल जब जय चंदा, सदवेधि शब्द वेधि गर पड़ैले निफंदा। कि कुबुद्धि से भरल जब जय चंदा, शब्द वेधि गर पड़ैले निफंदा। तो घर क बिगाड़ बहुत दुख देला, अगड़ बगड़ होई जमकल मेला। आगे कहते हैं कि सूझल ईश्वरी के मन बर्बादी, खूब ईश्वरी के सूझल ईश्वरी के मन बर्बादी, खूब समझाई के पठौलै बादी। राम जी के कुबरी दियौले सिबनवा, बाकी त काढ़ चलली परनवा। राम जी के कुबरी दियौले सिबनवा, बाकी त काढ़ चलल परनवा। तो कुवना जगतिया के जाइनी रहली, पहली विपतिया कुंवर पर अली। कुवना जगतिया के जाइनी रहली, पहली विपतिया कुंवर पर अली। तो कहले सीतनी एक कुवना में झाँक, बड़ निक लागेला दुनऊ जनेता का। वो जो ईश्वरी था वो कुंवर सिंह और उनके भाई को बहका रहा है कि जरा कुएं में देखो, बड़ा अच्छा दृश्य है। कि कहले सी तनिए के कुआना में झाँक, बड़ निक लागेला दुनऊ जनता का। तो मनवा के पाप कुंवर नाही जनलें, कि मनवा के पाप कुंवर नाही जनलें। दोनों भाई झुकी झुकी कुआना में झकलें। तहले करिए तहले करी हैया में हथवा लगाई के, तह करी हैया में हथवा लगाई के। चेरिया भगली दोनों बिरना गिराई के, ढकेल देता है कि चेरिया भगल दोनों बिरना गिराई के। तो दुनिया से भले सब पपवा चोरावै, राम जी का पुतरी सब तर धावै। क्या बात है, कोई देखे या न देखे अल्लाह देख रहा है। वही प्रसंग कि दुनिया में भले सब पपवा चोरावै, राम जी का पुतरी सब धावई। तो सगरों फिरत बाटे उन कर खुपिया, चौक सरहले चुकल नाही अखिया। तो उनही के कहले हिलई बन पलई, केतनो बचाव केहू खुली जाले कलई। तो ईश्वरी न सोचल भयल मोर कमवा, केहू क नचेरिया पपरल नयनवा। तो लठिया टूटल नाही मरी गैल सपवा, दुई गो निशनवा भयल एक तिरवा। तो कुंवर दयाल जब गिरल इनारा, किछु न भयल हरि देहल सहारा। प्रभु सहायक हुए कि कुंवर दयाल जब गिरल इनारा, इनारा मतलब कुआं। कि कुंवर दयाल जब गिरल इनारा, किछु न भयल हरि देहल सहारा। तो गिरतई दुनऊ बिरनवा तरैले, ऊपर आए कि गिरतई दुनऊ बिरनवा तरैले। मटिया से ठेल के कुंवर उतिरैले, तो चारू ओर चितवन भैया देखा ले। याल सी नहीं दिख रहे हैं भाई, कि चारों ओर चितवन भैया देखाला, कहवा हैरान मोर बबुआ दयाला। तो फेरी झट कुंवर जी डूबकी लगौलें, फेरी झट कुंवर जी डूबकी लगौलें। पनिया में हथवा बढ़ाए टकटोरलें, तो देरिया भैल तो फूलन लागी ससिया। बुढ़वा के हथवा लगल नाही मोतिया। कुंवर सिंह अपने भाई को नहीं पा रहे हैं, बार बार डूब करके खोज रहे हैं। तो सोचल है कुंवर मन बरु बुढ़ जाइबे, तो सोचल है कुंवर मन बरु बुढ़ जाइबे। बबुआ के पाए बिन नाही उतिरइबे, तो ससिया का छन छन होत बा पहाड़वा। गजब भइले कुंवर प्रेम घरियरवा, तो पनिया में टोई टोई हथवा बढ़ावें, मटिया में छोड़ी और किछु नाही पावें। खोज रहे हैं कि कहाँ भाई है, कि पनिया में टोई टोई हथवा बढ़ावें, मटिया के छोड़ी और पिछाऊ न पावें। तो झंखले मनवा कुंवर बड़ भैया, तबले भयल बाटे राम जी सहैया। कुंवर सिंह बहुत परेशान है, दुश्मनों ने दोनों भाई कुंवर सिंह और उनके छोटे भाई याल सिंह को कुएं में ढकेल दिए हैं। कुंवर सिंह बार बार डुबकी लगा के खोज रहे हैं कि आखिर हमारा भाई गया तो गया कहाँ। प्रसंग आगे चल रहा है कि मनवा में आई लक्ष्मण कैया दिया, कि मनवा में आई लक्ष्मण कैया दिया, सकती के बनवा सजीवन बिरैया। तो हनुमत औतेन भैल जो घोरवा, कि हनुमत औतेन भैल घोरवा। बहिया टूटत मोर सुन हो तो कोरवा, तो होते बिहान तजी देह तरनवा। तब
काहे कुंवर तिया गए बिरनवा, तो गोड़वा से ठेल के कुंवर फेरी बढ़ल हथवा में हथवा हिलत एक पवल। क्या बात है, कुएं में डुबकी लगा के कुंवर सिंह आगे बढ़ते हैं और इयाल सिंह का हाथ उनके हाथ में आ जाता है कि गोड़वा से ठेल के कुंवर फेरी बढ़ल हथवा में हथवा हिलत एक पवल। तेड़वा लगाई ऊपर आके उतिर कुंवर दयाल छन भर में उभरल तो जेकरे लगल भगवान जी सहैया किछु नाही तेकर बिगाड़े ला मनैया। तो बूढ़ तक तिनका को बहुत सहारा कही देला पार बड़ बड़ जलधारा। तो बरवा कपेड़वा जमल रहा दाँती कुंवर दयाल के भयल बा संघाती। कुएं में एक बरगद का पेड़ था उसी का जड़ वो पा गए वही तिनको के सहारा। कि बरवा का पेड़वा जमल रहा दांती, दांती मतलब किनारे, कि बरवा का पेड़वा जमल रहा दांती कुंवर दयाल के भयल बासंघाती। तो बाएं हाथ कन्हैया पर उनके उठौलें और दहीने से बरवा का सोरिया पकड़लें। तब भैया के भरी अखिया निहरल ताकि दिल बिरना कुंवर मुसिकल। कुंवर सिंह प्रसन्न हो गए कि भाई हमारा जीवित है। कि भाई हाथ कन्हैया पर उनके उठौल दहीने से बरवा के सूर्या पकड़ल। तब भैया के भरी अखिया निहरल ताकि दिल बिरना कुंवर मुसिकल। तो मनवा भयल भरी ले कवारी हलुक प्यार दे गलवा को पारी। क्या बात है कि मनवा भयल भर ले कवारी हलुक प्यार दे गलवा पपारी। बाकी कस करे तने उन तनी न बस डोल कन्हैया दयाल बड़ धीरे धीरे बोल। दयाल सिंह धीरे धीरे बोल रहे हैं कि भैया मैं सही हूँ। तो नगवा नियर लगे बरवा कसोरिया और खाई खाई पनिया भयल बाय करिया। तो तवने के कसले कुंवर भरी बहिया सपवा से जमल लपटाइल सपिनिया। तो शेष के बखानी की बखानी शेर बिरवा कि शेष के बखानी की बखानी सोरी गरवा। एक राखे मुँह एक राखे भूई एक भूई कखर पतवरवा। शेष के बखानी की बखानी सोरी बरवा एक राखे भूई एक भूई खरवरवा। तो मनवा निहाल देखी पेड़वा को पाती जैसे पपीहरा के मिलल सेवाती। तो देरिया ले जरी नाही थमले थमाला थोर की उमिरिया पर बड़का कसाला। तो रसे रसे भिनत पढ़ाई जात हड़वा लड़िका न जानेला की कस होला गढ़वा। तो कनवा से कबहू न सुनल बिपतिया तेकरे कपारी परी बड़की अफतिया। तो अंगुरी में कटवा न जेके कबहू गड़ल फूलवई छड़ियवा न माई बाबा मरल। तो सहिले छुरिया तो अगन सहिले छुरिया तो अगवई कटरिया बाकी एन है पहले चुभली तरुअरिया। तो ऊपरा निहारे जहाँ केहू न देखाला। क्या बात है कि ऊपरा निहारे जहाँ केहू न देखाला और कुंवर गदोरिया में पड़ी गई छाला। तब मनवा बिसुरल कुंवर लट गेना बालक कि मरवा मनवा कि मनवा बिसरल कुंवर लट गेना हम न बन गली पिजरा का मैना। तो गुरु का कहनिया भयल भाई साँची रजपूत जल मिला विपत कियाची। तो सहे दुख बरदा कि सहे दुख मरदा। कहावत है कि कहे सुख बरदा कि कहे दुख मरदा कि सहे दुख बरदा कि सहे दुख मरदा और छतरी के सोहे नाही खेतवा के गरदा। ताइल बसीत बसंतक सुधिया लवकुश भरी दिले मनवा में बुधिया। तो रामयस बाप शीतल समाई बन में जन्म लिन दूनऊ भाई। तो तपसी न आई के लकड़िया जरवली पहले पहले तब पुतवा निहरली। माता जानकी जब लवकुश का जन्म हुआ तो जंगल में कोई सुविधा नहीं थी तो एक लकड़ी जलाकर लवकुश का चेहरा दिखी थी। वही वर्णन कि रामयस बाप शीतल समाई बन में जन्म लेली दूनऊ भाई। तपसिन आई के लकड़िया जरवली पहले पहले तब पुतवा निहरली। बड़ा ही अद्भुत वर्णन पंडित जी कर रहे हैं। क्या बात है कि यशस्व चिशोरिया गदोरिया दबावल कुंवर सिंह भाई को कांधे बैठाए हुए हैं और बरगद के शोर को जड़ को पकड़कर ऊपर आना चाहते हैं।
यशस्व चिशोरिया गदुरिया दबवल सरकत बिरना के कन्हिया समरल तबले तबले लखेबा पचरत्ना कलौड़ी। पचरत्ना जो है कि कुंवर सिंह की माता जी का नाम है, वह देख लेती है तबले कि तबले लखेला पचरत्ना कलौड़ी लपकत रोवत करत सोर दौड़ी। तो हाली आवा जल्दी बचाव ई हाली आवा जल्दी बचाव गौआ के लोगवा सब मिल धाव। तो अनबल केहू कन कैली पचरत्ना कुना में नह कई बुतत भाई दियना। तो हाय मोरे रमवा गजब बड़ भैल कुंवर दयाल दून कुना में गिरल। तो जेही जेही ओरिया गयल भाई चेरिया तेही तेही अलग से उमगल भिड़िया। जो सुन रहा है कि कुंवर सिंह और उनके भाई याल सिंह कुएं में गिर रहे हैं, जहाँ जहाँ वो चिड़िया जहाँ जहाँ वो दासी जा रही है चारों तरफ से भीड़ उमड़ता चला रहा है। कि कहवा गिरल मोर राम लक्ष्मी नवा पनिया में हम तियग बैपर नवा कुंवर दयाल बिनु कवन जीने गिया और दाई बाई खिया क दुनऊ पुतरिया। तो हाय मोर ककरी करैला क बतिया कहत भमरी भमरिया छतिया। ते जही त न चितवै तेहू के धर गोड़वा भैया बचाव मोर दुनऊ बछेड़वा। क्या करुणा है। तमिली मेहरारू जो कसी के न धरतीन निह जय माई जाय कुना में गिरतीन। तो अखिया से लोरवा क धरिया न टूट पकड़ी कि रोवली छोड़वले न छूट। तो अपन यशपुत सब ही के जनली केही पर धवा क फल यश पवली। तो केहू बस नाही बा जे कुना केहू बस नाही बा जे कुना से कढ़त मोर हीरा लाल तनी अखिया देखावत। तो मित्रों सुनते ही जहाँ जहाँ दासी जाती है कि कुंवर सिंह और उनके भाई याल सिंह कुएं में गिर पड़े हैं, चारों तरफ से लोग दौड़ के आते हैं वीर कुंवर सिंह को और उनके छोटे भाई याल सिंह को निकालने का प्रयत्न करते हैं। और वहीं पर कुंवर सिंह की माता पचरत्न खड़ी हुई हैं, उनकी करुणा अलग है। वीर कुंवर सिंह कैसे बाहर निकलते हैं ये अगले भाग में लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए आप सब लोगों को सादर प्रणाम। इसी तरह आप लोग स्नेह देते रहिए, मैं प्रयास करूँगा उत्कृष्ट साहित्य आप तक पहुँचाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।